हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा मिक्सर ढूंढ रहे हो जिसमें आपका मल्टीपर्पज काम हो जाए, जैसे कि ये पियानो, पियानो के साथ आप अपना सॉन्ग भी आउटपुट देना चाहते हो, अच्छा वॉइस टोन अपना आउटपुट देना चाहते हो अपने स्पीकर पे, और या फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए एक मिक्सर मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से। ये मेरा पैकेट आ गया है, तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा आपके पियानो या फिर गिटार के लिए या फिर वोकल के लिए। ये एक अच्छा मिक्सर है, तो इसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है और इसमें क्या क्या फंक्शंस है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरा पैकेट है जो अमेजोन से आया था मेरे पास, जिसमें मैंने मिक्सर को ऑर्डर किया था। तो इसको खोलते हैं अभी। ये देखिए, ये आपका एक्सट्रीम एकोस्टिक का जो मिक्सर है मेरा, इसके अंदर है। मॉडल नंबर ये है, आप देख सकते हैं मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है XAMXB4। ये मॉडल नंबर है इस मिक्सर का। इसे खुलेगा ये, ये इसका एडाप्टर और केबल साथ में है। एडाप्टर और केबल ये यहाँ पे लगेगा और ये इसके मिक्सर पे लग जाएगा। ये देखिए, ये मेरा मिक्सर है जो अमेज़न से मुझे मिला है, जो मैंने ऑर्डर किया था। इसमें देखिए बहुत सारे फंक्शंस दिए, बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको अपना फैंटम पावर वाला जो माइक्रोफोन है, ये मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर देखिए, ये माइक्रोफोन यहाँ पे फिट होगा। ये फैंटम पावर है, 48 वाट का फैंटम पावर है। ये गेन है, ये हाई, ये लो। ये वाला जो बटन है, ये है आपका इस फंक्शन को ऑपरेट करता है, जो आपका डिले और इको रिवर्ब के लिए काम आता है। ये वॉल्यूम हो गया, मेन वॉल्यूम हो गया, और ये आपका माइक्रोफोन, यहाँ पे भी माइक्रोफोन इनपुट दिया हुआ है। यहाँ पे ये भी माइक्रोफोन इनपुट है, जो मेरा फैंटम पावर वाला जो मैंने माइक्रोफोन ऑर्डर किया था उसमें आपका 3.5 mm का जैक था। तो वो वाला जैक यहाँ पे लगा के भी आप बजा सकते हैं, और यहाँ पे भी नॉर्मली जो माइक्रोफोन का जो पिन आता है वो यहाँ पे कनेक्ट करके भी बजा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका ये माइक्रोफोन का ही ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है इसमें देखिए, ये जो बटन है ये USB के लिए काम करता है, USB और ब्लूटूथ के लिए काम करता है। ये USB फंक्शन है। यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा के इसमें MP3 गाना लोड करके या फिर ट्रैक को लोड करके आप यहाँ से प्ले करके वोकल भी आउटपुट दे सकते हो अपने स्पीकर पे। इस बटन को दबाने के बाद आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, ये बटन को दबाने के बाद। बाकी ये रिकॉर्डिंग और रिवाइंड फॉरवर्ड के लिए है। ये आपका ब्लूटूथ का मेन वॉल्यूम हो गया। ब्लूटूथ आप जो भी गाना या फिर कोई ट्रैक अगर प्ले कर रहे हो तो ये काम करेगा, ये वाला फंक्शन, ये पार्ट। ये हो गया इको का। इसमें इको रिवर्ब दिया हुआ, डिले रिपीट लिखा हुआ यहाँ पे, और ये मेन है, मेन आपका जो पूरा फंक्शन है उसका मेन वॉल्यूम यहाँ पर है। ये आपका जो वॉल्यूम है, ये आपका हेडफोन के लिए है। आप हेडफोन भी लगा के अपने यहाँ पे कानों पे बजा सकते हो इसको। बाकी ये यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, ये आपका
यहाँ पे आप आउटपुट ले सकते हो, लेफ्ट राइट दिया हुआ है, लेफ्ट राइट स्टूडियो में आपका रिकॉर्डिंग होगा, ये भी आपका माइक्रोफोन का दिया हुआ है, तो माइक्रोफोन यहाँ पे भी लग जाएगा। और ये आपका लेफ्ट एंड राइट आउटपुट है, मेन आउटपुट, ये मेन आउटपुट है, यहाँ से आप कोई भी स्पीकर में आउटपुट ले सकते हो। बाकी ये है आपका पीसी में कनेक्ट करने के लिए, आप यहाँ पे पीसी में कनेक्ट कर सकते हो, और इसका मेन पावर पावर जो है यहाँ पे लगेगा, ये जो आया था केबल, ये केबल भी आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा, और ये आपका आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बोर्ड है उसमें लग जाएगा। ये पीसी और MP3 के लिए आप पीसी में कनेक्ट करोगे तो ये आपका बटन को प्रेस करना पड़ेगा, पीसी में कनेक्ट हो जाएगा। बस यही है फंक्शन इस मिक्सर में। आप इससे टोटली लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, और अपने घर में प्रैक्टिस भी करना हो या फिर पियानो कीबोर्ड बजा के प्रैक्टिस भी करना हो तो आप अपना हेडफोन लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपना जो स्पीकर है, बड़ा बड़ा स्पीकर, उसमें नहीं लगाने से भी चल जाएगा, क्योंकि स्पीकर लगाते हैं तो फिर दूसरों को डिस्टरबेंस होता है अगर हम लोग ज़्यादा वॉल्यूम देते हैं। तो आप हेडफोन लगा के भी आप अपना साउंड एडजस्ट करके आप आसानी से इसको बजा सकते हो। तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया था कि ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो और मेरा भी काम हो जाए, तो इसमें सारे फंक्शंस दिए हुए हैं इसलिए मैंने इसको मंगाया था। तो आप देख सकते हो इसका ज़्यादा वेट भी नहीं है, बिल्कुल लो वेट है इसका, लाइट वेट है। बिल्कुल ही लाइट वेट है ये, और सारे फंक्शंस भी इसमें दिए हुए। मैं इसको अगले वीडियो में इसको प्ले करूंगा, कनेक्ट करूंगा अपने कीबोर्ड के साथ, फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पर्सनली इस मिक्सर को अपने कीबोर्ड के साथ यूज किया है, मुझे तो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।